आसिमांशी फैंस के लिए बहुत अच्छी खबर है। आसिम और हिमांशी के बीच में सब कुछ ठीक ठाक है और खुद आसिम रियाज ने इस बात का खुलासा किया है। क्या बोले आसिम रियाज मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आसिम ने जो आज सुबह जो है हिमांशी ने जो पोस्ट डाला था, नोबडी वॉन्ट सी अस टुगेदर, यानी कि कोई भी हमें साथ में देखना नहीं चाहता, और हार्ट ब्रेक का एक इमोजी डाला था उन्होंने। उसके बाद इस बात की चर्चाएं शुरू हो गई थी कि लगता है आसिम और हिमांशी के बीच में जो है ब्रेकअप हो गया या सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। ऐसे में आसिम रियाज ने उस पर रिप्लाई किया है और लिखा है, बेब आई एम विद यू नो मैटर व्हाट दे से और डू, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो लोग क्या कहते हैं या करते हैं। तो कहीं ना कहीं आसिम ने एक बात बोल दी है कि कोई कुछ भी बोल दे मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन ये दे कौन है जिनकी ये दोनों ही मिलकर बातें कर रहे हैं? इस बात की खबरें आ रही थी कि आसिम के कुछ फैंस हैं जो आसिमांशी के साथ होने से खुश नहीं हैं, और वो लोग जो है इस बात को लेकर हमेशा नाराज होते रहते हैं। लेकिन उमर रियाज ने एक लाइव चैट में बोला था कि कुछ लोग ऐसे भले क्यों ना हो, लेकिन वो आसिम को बहुत प्यार करते हैं, और मैं उन सभी से अपील करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जो है आसिम की प्राइवेट जिंदगी की भी रिस्पेक्ट कीजिए। तो मुझे लगता है कि यहाँ उनका इशारा शायद किसी और की तरफ है। आपको क्या लगता है? क्योंकि आसिम जब भी हिमांशी परेशान होती है हर बार ये बता चुके हैं कि वो हमेशा उसके साथ ही है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले 21 मार्च को हिमांशी ने एक पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि मेरे ट्विटर के साथ कोई छेड़छाड़ कर रहा है, किसको इतनी इनसिक्योरिटी है जो मेरे लिए इतना टाइम निकाल कर ये सब कर रहा है। उस पर भी आसिम ने रिप्लाई करके बोला था, दे जस्ट कांट सी यू हैप्पी बट आई एम गोना बी ऑलवेज स्टैंडिंग राइट बिहाइंड यू बेब। तो कहीं ना कहीं इससे पहले भी आसिम हिमांशी को ये बात खुलेआम सभी के सामने बोल चुके हैं कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तो मुझे लगता है कि हिमांशी जब भी परेशान होती है या जब भी उन्हें इमोशनली डाउन फील करती हैं, वो कुछ भी ऐसा सोशल मीडिया पर लिखती हैं, तो आसिम रियाज हमेशा आगे आकर इस बात को जता देते हैं कि तुम परेशान मत हो, मैं हूँ ना। तो आपको क्या लगता है? एक बात तो तय है कि आसिम हिमांशी के बीच में तो कुछ भी नहीं हुआ है, ये दोनों अभी भी साथ साथ हैं और हमेशा रहेंगे, जिस तरह के हम पोस्ट इनके देखते रहते हैं, जिस तरह का इनका प्यार और बॉन्डिंग है। तो आपको क्या लगता है कमेंट जरूर कीजिएगा, लेकिन कमेंट से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अभी 5 बजे मैं हिंदुस्तानी भाव के साथ लाइव जाने वाली हूँ। अगर आपके कोई सवाल है, इंस्टाग्राम से लाइव जाऊंगी, तो आप आइए जुड़िए हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे, और अगर हो सके तो पहले भी आप सवाल भेज सकते हैं, नहीं तो लाइव जुड़कर आप खुद भी उनसे सीधे सारे सवाल पूछ सकते हैं। मेरे जितने भी सोशल मीडिया हैंडल है, उन सभी के जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, उन सभी को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ। आप जाइए वहाँ पे हमारे हैंडल्स को फॉलो कीजिए, क्योंकि एंटरटेनमेंट की बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जो मैं अपने सोशल मीडिया पर डालती हूँ। तो अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं तो आप हमें वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं।